आर्य चिकना का सीएस कॉलोनी और हाईवे के बिल्कुल बाजू में मैं 82 में ख़रीदी हूँ ये ज़मीन। और मेरे नाना शंकर भाई के पास काम करते थे, उनको गिफ्ट में मिली थी वो, तो मेरे नाना से मैं ख़रीदी हूँ। वो ज़मीन मेरी इतनी पुरानी है, उसमें एक रमिया बटला करके गुंडा था, उसका भाई ने मेरे ये ज़मीन को कब्ज़ा किया और एक झोपड़ा बना के रहने लगा। साला आपका नाम क्या है, क्या आपके नाम पे प्रॉपर्टी है? हाँ, मेरे नाम पे ही है, मेहरुन्निसा मोहम्मद सलीम खान। तो ये अपना कितना दूना पुराना है उसका? ये 64 से हमारे पास है ये ज़मीन। जगह कितना है, कितना स्क्वायर फीट का है? 206 स्क्वायर मीटर है। इस वक्त आपको क्या परेशानी है? मेरे को एक है आदमी इधर जो बोलता है कि मैं पेपर में न्यूज़ छापता हूँ और पता नहीं क्या क्या काम करता है। उसने ये भाड़े पे लिया था। क्या नाम है इस व्यक्ति का? उसका नाम है राजेंद्र माने। पत्रकार है वो? पत्रकार है। कौन से न्यूज़ चैनल से? वो बम्बई संध्या। मुंबई संध्या, मुंबई संध्या। हाँ, आगे क्या हुआ? और वो आके बैठा और वो पहले भाड़े से था, अभी मेरा लाइट बिल कैंसिल करके उसने अपने नाम पे बनवा लिया है। हाँ, बोरिंग पर एनओसी लिया गया था क्या कि जो लाइट ट्रांसफर किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिया। वो बोल रहा मेरी जमीन है। लाइट मीटर का अपना क्या, अडानी का, टाटा का? अडानी का पहले उसका था, कौन सा था पहले? बीएसएस। हाँ, बहुत पुराना। तो उसका बिल आप बराबर भरते रहे? हाँ हाँ, बराबर भरते रहे, पूरे बिल है मेरे पास। कुछ दिनों पहले पेपर में कुछ खबर आई थी आपके गुंडे के माफन को तकलीफ दिया जा रहा है, ये बात कितनी सच्ची है? मैं हाँ। मुझे वो न्यूज़ में डाला था कि ये वो माफिया है, ये हमें ज़मीन कब्जा कर रही है, लेकिन पेपर पूरे मेरे नाम पे है। यहाँ की पुलिस स्टेशन भी ये बात जानती है, लेकिन उनको भी डरा के रखा है पुलिस वालों को कि मेरे इसमें बात करना, वो औरत को कोई इधर वो नहीं देना। मैं जा के अप्लीकेशन करती हूँ, वो लोग कोई तवज्जो नहीं देते मेरे बारे में। हमारे चैनल के माध्यम से क्या गुहार लगाना चाहोगे सरकार? मैं ये बोलना चाहती, मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरा कोई नहीं है और मेरे कोई ऐसे ऐसे परेशान कर रहा है, जरा तुम लोग इसका देखो, पूछो इसके पास क्या पेपर है। ये काला कोर्ट में गया कि नहीं? नहीं, ये कोर्ट में नहीं गया अभी तक। आपने पुलिस का सहारा लिया? मैं पुलिस गई थी, लेकिन पुलिस वाले भी सब उसकी साइड बोलते हैं और ये भी बोलते हैं कि उसके पास सब पेपर है, लेकिन मैं बोलती कि मुझे एक कॉपी तो दो, तो कोई देने को तैयार नहीं है। तो आगे आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे लिए कुछ अच्छा करें। अभी मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ, लड़ते लड़ते अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ, ये आप लोग खुद देख रहे हैं, मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे, मैं ज़्यादा चल नहीं सकती हूँ, अब क्या करूँ? आपको किस तरह से धमकाया जाता है? मेरे को उन लोग ये बोलते हैं अगर तू इधर आएंगी तो हम लोग तेरे खबर खोद के इधर गाड़ देंगे, तेरे को इधर से आना नहीं है। हालांकि हम लोग का दरवाज़ा पीछे से ही है, उधर से ही आना जाना पड़ता है, और जब भी आती जाती हूँ उस टाइम फटक से जाके पुलिस में कंप्लेंट कर देता, ये गुंडों को लेके आई है, ये ऐसा आई है, अब कैमरे लगा के रखा है। उधर के आने जाने वाले जो भी आते जाते वो बोलते हैं इसके ही आदमी हैं। हम गुड फेथ में उनको मिलने आते हैं, कभी कभार उनका तबीयत हाल हवाल पूछने भी आते हैं, रिलेटिव्स कोई भी आता है ना, एवरी टाइम ही कॉल्ड पुलिस, और हमेशा बस एक ही, ये गुंडे बुलाई है, गुंडिया मतलब औरतें बुलाई है मेरे को मारने के लिए। क्या हम आंटी बोलते हैं तो उनको मिलने भी नहीं आ सकते? उनका तबीयत नरम गरम रहेगा, देखने आते हैं तो हम गुंडे लेकर आ गए। मैडम, ये मुंबई संध्या का जो रिपोर्टर है, जो पत्रकार है, वो उसको और कौन गाइड सपोर्ट कौन कर रहा है? अभी हमको तो ये कुछ इतना आइडिया नहीं है, बट वो आपको पुलिस सपोर्ट समर्थन सपोर्ट नहीं दे रही है? स्थानिक पुलिस को सब कुछ पता है और वो ओपनली खुद बोलता है कि पुलिस बीएमसी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है। पुलिस स्टेशन में आपने शिकायत किया क्या? हाँ, बहुत बार, बहुत बार उनको पेपर दे दे कर थक गए, सबमिशन कर कर थक गए। हमारे सारे पेपर राजेंद्र माने के पास अवेलेबल होते हैं, लेकिन उसका कोई भी पेपर हमको नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि आरटीआई का ये एप्लीकेशन देने के बावजूद भी हमको पुलिस से कोई रिप्लाई नहीं आता है। कितने दिनों से आप बाहर रह रहे हैं, कितने दिनों से उस पर कब्जा है उसका? अभी ये